स्वागत so, है दोस्तों आपका हमारे इस YouTube चैनल कन्फ्यूज़न नाइन डॉट टू डॉट अलेवन में दोस्तों इस वीडियो में आज हम दृष्टि आई के लिए बी के लिए जो प्रैक्टिस सेट मैंने सेक्शनल चला रहा है उसका आज साइंस का ये पार्ट टू है और पार्ट वन मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है जिसमें एक से लेकर पचहत्तर तक का साइंस के प्रश्न थे बी के लिए अब नेक्स्ट जो है आगे यहाँ पर हम सेवेंटी से 150 तक इसमें क्वेश्चन करेंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये सेशन आप लोग मिस मत कीजिएगा इसे आप लोग पूरा देखिएगा उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो मेरा पॉलिटी पे रहेगा बीपीएससी पॉलिटी पे उसके बाद फिर ज्योग्राफी पे रहेगा उसके बाद फिर बिहार पे रहेगा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है इस चैनल के माध्यम से तो आप लोग अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन इस आपके मोबाइल तक पहुँच सके बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं कि जैसे मैंने दृष्टि आई इसका हिस्ट्री का मैंने डाला था तो हिस्ट्री का पार्ट वन मैंने डाला था और पार्ट टू भी मैंने डाल दिया था लेकिन अभी तक पार्ट वन पे कमेंट आ रहा है कि सर पार्ट टू भी कीजिए जबकि वो पार्ट टू जो है ऑलरेडी अपलोडेड है डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आप वीडियो सेक्शन में जा देख सकते हैं अगर हिस्ट्री का अभी तक नहीं देखे हैं तो वो भी आप देख सकते हैं वैसे जितने भी वीडियो मैं दृष्टि पब्लिकेशन के लिए बी का सेक्शनल टेस्ट अपलोड कर रहा हूँ वो सारे का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा वहाँ से आप लोग डायरेक्ट उसे रिडायरेक्ट हो जा सकते हैं तो चलिए यहाँ पर समय ज़्यादा ना लेते हुए साइंस का जो है दृष्टि आई एस बी पी एस सी प्रैक्टिस सेट यहाँ पे साइंस का करवा रहे हैं और ये पार्ट टू है जो कि सेवेंटी सिक्स से शुरू हो रहा है वन सेवेंटी फाइव का जो क्वेश्चन मैंने करवाया है यूट्यूब पर उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा चलिए यहाँ पर सेवेंटी सिक्स बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण नहीं है यहाँ पे पूछ रहा है कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण नहीं है तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एक्टिन जो है वो कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण नहीं है बाकी इसमें सभी सुक्रोज लैक्टोज और सेल्यूलोज जो है वो कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण है ठीक है अब कार्बोहाइड्रेट में यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे जैसे ग्लूकोज हो गया तो उसमें पूछता है कि ये क्या है तो मोनोसक्राइज होता है उसी तरफ फ्रक्टोज और ग्लेक्टोज याद रखिएगा तीन आइटम जो है ग्लूकोज फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज ये मोनोसक्राइज होते हैं जबकि सुक्रोज और लैक्टोज जो होते हैं वो डाइसेकराइज होते हैं और सेलुलोज और चिटीज जो होता है वो पॉलीसेक्राइज होता है ये आप लोग याद रखेंगे और एक्टीन जो है वो एक्टीन ग्लोबुलर मल्टीफंक्शनल प्रोटीन है जो कि माइक्रोफिलामेंट का निर्माण करता है नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सेवन में मानव रक्त का औसत पीएच मान कितना होता है तो ये जो है आप लोग जानते होंगे सेवन पॉइंट फोर इसका पी एच वैल्यू होता है यानी कि हल्का जो है वो क्षारिय होता है नेक्स्ट आइए सेवेंटी सेवन हो गया नेक्स्ट आइए सेवनटी एट में सेवेंटी एट यहाँ पे बोल रहा है कि गाय के दूध का रंग हल्का पीला होता है तो ये आप लोग याद रख ले ऑप्शन डी हो जाएगा बीटा कैरोटीन की उपस्थिति के कारण गाय का दूध जो होता है वो हल्का रंग का पीला होता है नेक्स्ट आइए सेवेंटी नाइन में पूरा निम्नलिखित में से कौन से लैक्राइमल ग्रंथि के माध्यम से श्रावित होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको आप लोग नोट कर लें निम्नलिखित में से कौन से लैक्राम लैक्राइमल ग्रंथि के माध्यम से श्रावित होता है तो यहाँ पे आप लोग याद रख लें आंसू लैक्राइमल ग्रंथि से आंसू जो होता है वो श्रावित होता है और आंसू यहाँ पे तीन प्रकार के मुख्यतः आंसू होते हैं एक होता है बेसल आंसू जो कि नॉर्मल आपका नमी प्रदान करने के लिए होता है दूसरा है रिफ्लेक्स आंसू ये जब आपके आँख में जलन होता है तो उस समय ये आंसू निकलता है और तीसरा जो है साइकिक आंसू जब आपका मजबूत भावना हो तनाव हो दर्द हो तो उस समय आपको ये आंसू निकलता है तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है आप लोग नोट कर लेंगे नेक्स्ट आइए अस्सी नंबर में कीट भक्षी पौधे प्राय किस प्रकार की मृदा में पाए जाते हैं तो अस्सी का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी नाइट्रोजन की कमी वाली मृदा में ये पाए जाते हैं क्योंकि ये क्या करते हैं कीट बक्शी जो होते हैं जैसे पीचर प्लांट वगैरह वो वीनस फ्लाई ट्रैप कीटों का सेवन से मृदा में नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर लेते हैं नेक्स्ट आइए एट्टी वन में बोरा कि उस एंजाइम का नाम क्या है जिसकी उत्पत्ति जुगाली करने वाले युवा पशुओं के पेट में होती है और दुग्ध उद्योग में पनीर का उत्पादन करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है तो 81 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रेनिन <laughs> और रेनिन को कई बार काइमोसिन भी कहा जाता है तो आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा। ऑप्शन में अगर रेनिन दिया है तो रेनिन अदरवाइज काइमोसिन दिया है तो काइमोसिन भी होगा नेक्स्ट आइए एट्टी टू में बोरा तेज गति से गुजरती ट्रेन की सीटी की आवाज़ उसके दूर जाने के साथ घटती जाती है और नजदीक आने के साथ वो बढ़ती जाती है इस परिघटना को निम्नलिखित में से किसके द्वारा समझाया जा सकता है तो ये जो होता है डॉपलर प्रभाव कहा जाता है इसको तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा नेक्स्ट है एट्टी थ्री में एट्टी थ्री में यहाँ पे बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण आवर्ती गति से संबंधित है ठीक है तो आवर्ती गति से यहाँ पे संबंधित पूछ रहा है तो एट्टी थ्री का यहाँ पे आप लोग नोट कर लें कि यहाँ पे देखिए एक एक तैराक द्वारा नदी के किनारे से दूसरे किनारे तक जाना और फिर लौटना ये जो है फिर एक बार ही होता है यानी ये बार बार रिपीट नहीं होता है इस वजह से ये गलत हो जाएगा एक पूर्वक लटकते क्षर चुंबक को इसके एन एस दिशा में ले जाना और छोड़ देना तो ये क्या होता है कि ऑक्सीलेट करता है तो ये यहाँ पे सही हो जाएगा एक हाइड्रोजन अणु को अपने दरबान केंद्र के चारों ओर घूमना तो यहाँ पे जो है आपका एक चारों तरफ घूम रहा है तो कंटिन्यू उसी मोशन को रिपीट कर रहा है तो ये भी हो जाएगा धनुष से निकला तीर ये तो फिर एक 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 डायरेक्शन में ही जाएगा तो ये गलत हो जाएगा यानी कि यहाँ पे बी और सी जो है ये उदाहरण है तो ऑप्शन ई e इसका सही ऑप्शन हो जाएगा एट्टी थ्री का ऑप्शन ई e हो जाएगा नेक्स्ट आई एट्टी फोर में एट्टी फोर बोल रहा है कि यदि हवा में प्रकाश की गति को सी द्वारा दर्शाया जाता है और किसी माध्यम में प्रकाश की गति को भी द्वारा दर्शाया जाता है तो माध्यम की अपवर्तनांक की गणना किस सूत्र के द्वारा होगी यानी अपर यानी कि म्यू की, की परिभाषा बोल रही है तो म्यू की जो परिभाषा होती है अपरतना की जो परिभाषा होती है यहाँ पे सी बाई भी हो जाएगा तो सी बाई भी देख ले तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा नेक्स्ट आइए 85 एटी फाइव में एटी फाइव 85 बोला निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा की इकाई के समतुल्य नहीं है यहाँ पे ऊर्जा की इकाई के समतुल्य नहीं बोल रहा है तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ये जो है ये आपका फोर्स के समतुल्य है यानी कि एक न्यूटन के समतुल्य है बाकी जो यहाँ पे सभी हैं जूल वाट घंटा न्यूटन मीटर ये सभी जो है ये ऊर्जा के इकाई हैं केवल डी जो है वो बल का इकाई के समतुल्य है ठीक है तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है ये ऊर्जा की इकाई के समतुल्य नहीं होगा नेक्स्ट है एट्टी सिक्स में बुरा ध्वनि तरंग का वह गुण जो ध्वनि के तारत्व को निर्धारित करता है तो 86 का यहां पे हो जाएगा ऑप्शन ए आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी जो है वो तारत को निर्धारित करता है यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा एक जो हो जाएगा पीच हो जाएगा और एक हो जाएगा लाउडनेस हो जाएगा ठीक है जो कि एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करेगा आयाम पे हो जाएगा लाउडनेस और आवृत्ति पे हो जाएगा तारत् याद रखिएगा आप लोग नेक्स्ट आइए एट्टी सेवन में निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक नहीं है ठीक है तो यहाँ पे आप लोग नोट कर लें कि देखिए अर्धचालक सिलिकॉन या जर्मेनियम जैसे शुद्ध तत्व होते हैं अथवा गैलियम ऑक्साइड या कैडमियम सेल, सेलेनाइड ठीक है जैसे यौगिक भी हो सकते हैं अर्धचालक तो यहाँ पे गैलियम आर्सेनाइड है या सेलेनाइड तो यहाँ पे आप लोग नोट कर लेंगे यहाँ पे ये भी हो जाएगा गैलियम सेलेनाइड या फिर गैल्सियम आर्सेनाइड जर्मेनियम और सिलिकॉन ये सब अर्धचालक हैं है जो है अर्घचालक नहीं है तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा देखिए क्वार्स क्या है क्वार्स एक इलेक्ट्रिक इंसुलेटिंग मटेरियल होता है नेक्स्ट आइए 88 88 बोल रहा है कि वर्षा के दिन इन धनुष नजर आने के लिए मुख्य रूप से मुख्य रूप से यहां पे पूछ रहा है उत्तरदायी प्रकाशीय घटना क्या है तो यहाँ पे डिस्पर्सन हो जाएगा डिस्पर्सन को हिंदी में प्रकीर्णन बोलते हैं यानी कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा नेक्स्ट आइए यहाँ पे बोल रहा है एट्टी में अम्ल और उनके प्राकृतिक स्रोतों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमिलित है तो एटी नाइन का यहाँ पे ए जो हो जाएगा ये केवल सही सुमिलित है बिच्छू का डंक यहाँ पे हो जाएगा आपका बिच्छू का जो डंक होता है वो मेथेनोइक अम्ल के कारण होता है ठीक है उसमें मेथेनॉइक अम्ल होता है उसके बाद नारंगी में आइए नारंगी यानी कि असंतरा में सीट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू में भी आपका सीट्रिक अम्ल पाया जाता है तो यहाँ पे तीनों का जो था गलत या केवल ए जो है सही युग्म है नेक्स्ट आइए नब्बे नंबर में पूरा निम्नलिखित में से कौन से ब्लीचिंग पाउडर के उपयोग है यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग पूछ रहा है तो यहाँ पे देखिए लकड़ी की लुग्दी को सफेद करने में यानी कि विरंजन करने में तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही है और देख लेते हैं और एक जो है डी ऑप्शन एक ऑक्सीकारक एजेंट के रूप में यानी बी और डी दोनों सही है तो ऑप्शन ई यहां पे एक से अधिक हो जाएगा नेक्स्ट नंबर में चीली सोरा एक अयस्क है तो चीली सोरा किसका अयस्क है तो चीली सोरा को क्या बोलते हैं सबसे पहले सोडियम नाइट्रेट बोलते हैं तो इसी का नाम से ऑप्शन ए हो जाएगा सोडियम का ठीक है और यह है एक क्रिस्टलीय सोडियम लवण होता है जो मुख्य रूप से उतरी चिल्ली में पाया जाता है और चिली सोरा को क्या क्या बोलते हैं हम लोग ट्रोना बोलते हैं बोरेक्स और कॉमन सोल्ट भी कहा जाता है मतलब ये सब सॉरी अयस्क है सोडियम के ठीक है सोडियम के और क्या क्या अयस्क होते हैं तो चिली सोरा ट्रोना बोरेक्स और कॉमन सोल्ट ये सभी जो है सोडियम के अयस्क हैं नेक्स्ट आइए नाइन्टी टू नंबर में पदार्थ की एंटीपायरेटिक श्रेणी का उपयोग किया जाता है तो पायरेटिक एंटीपायरेटिक मतलब होता है ज्वारनाशक तो ज्वार नाशक से समझ में आ गया होगा ऑप्शन उप, ए हो जाएगा शरीर के तापमान को कम करने के लिए यानी जब बुखार हो जाता है तो उसको कम करने के लिए एंटीबायोटिक श्रेणी का उपयोग किया जाता है नेक्स्ट आइए नाइन्टी थ्री में बुरा बहुलकों और उनके उपयोग के निम्नलिखित युग में से कौन से सुमिलित नहीं है यहाँ पे पूछ रहा है सुमिलित नहीं है तो देख लेते हैं टेफलॉन नॉन स्टिक बर्तन सही है बैकेलाइट विद्युत रोतन मटेरियल बनाने में सही है पॉलिएस्टर फाइबर रोप बनाने के लिए सही है मेला माइंड क्रॉकरी बनाने के लिए सही है तो यहाँ पे सभी युग्म सही है और क्वेश्चन में पूछा रहा सुमलित नहीं है तो कोई नहीं यहाँ पे सभी जो है सुबलित है तो ऑप्शन ई हो जाएगा नेक्स्ट आइए में <laughs> जीवाश्मों की आयु निम्नलिखित में से किस तत्व की डेटिंग से तय होती है तो यहाँ पे जीवाश्म पूछ रहा है तो यहाँ पे क्या होता है यह कि कार्बन से संबंधित होता है जीवाश्म तो ये रेडियो कार्बन डेटिंग यानी कि कार्बन चौदह डेटिंग से आयु ज्ञात की जाती है तो कार्बन चौदह यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन बी नेक्स्ट आइए नाइन फाइव में पर निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तो एक उप धातु है तो उप धातु यानी किसे कहते हैं तो ऐसे धातु और अधातु जिनके दोनों सामान्य गुण उसमें मौजूद होते हैं उसे उप धातु कहते हैं जैसे कि आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मत ये सब जो है उप धातु है तो यहाँ पे बुरा कौन सा एक उप धातु है तो ऑप्शन सी यहाँ पे एंटीमनी जो है वो उप धातु है नाइन्टी सिक्स में आइए निषेचन के बाद मानव भ्रूण में हृदय की धड़कन कब शुरू होती है तो नाइन्टी सिक्स का सही हो जाएगा ऑप्शन डी चौथे से पाँचवें सप्ताह के दौरान यानी निषेचन के चौथे से पाँचवें सप्ताह के बाद जो है वो भ्रूण में हृदय धड़कन शुरू हो जाती है नेक्स्ट आइए नाइन्टी सेवन में पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है यानी कि एलगी यानी कि सहवाल ऑप्शन सी सही हो जाएगा नेक्स्ट आइए नाइन्टी एट में नाइन्टी 98 निम्नलिखित में से कौन सी युग्म सही सुलित नहीं है यहाँ पे नहीं पूछ रहा है सही सुमलित नहीं है तो नाइन्टी एट का डी हो जाएगा मलेरिया जो है वायरस से नहीं होता है यह जो होता है प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है नेक्स्ट आइए नाइन्टी नाइन नंबर में थैलेसीमिया एक बीमारी है जो होती है तो देखिए निन्यानवे का हो जाएगा थैलेसीमिया जो है एक प्रकार का रक्त विकार है जो परिवारों में आनुवांशिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में फैलती है तो यह जो है वंशानुगत दोष के कारण होता है ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा नेक्स्ट आइए हंड्रेड नंबर में हंड्रेड बोल रहा है कि जब ATP में जल का प्रयोग करते हुए टर्मिनल फास्फेट लिंकेज टूट जाता है तो कितने किलो जूल प्रति मोल के बराबर ऊर्जा मुक्त तो होती है तो यह हो जाएगा ऑप्शन ए 30.5 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा उत्पन्न होती है नेक्स्ट आइए 101 नंबर में बुरा संग्रहित पादप नमूनों जिन्हें एक सीट पर सुखाया दबाया और संरक्षित किया जाता है कि भंडार के लिए कौन सा पद उपयोग किया जाता है तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी हर्बेरियम पद का उपयोग इसके लिए किया जाता है नेक्स्ट है एक सौ दो नंबर में बुरा जब बाह्य एजेंटों के खिलाफ शारीरिक प्रतिरोध को मजबूत करने के लिए पहले से तैयार एंटीबॉडी प्रत्यक्ष रूप से दिए जाते हैं तो इसे कहा जाता है तो इसे कहा जाता है पैसिव इम्यूनिटी 102 का जो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा पैसिव इम्यूनिटी यानी कि निष्क्रिय होता है ये नेक्स्ट <laughs> आइए 103 में निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमिलित नहीं है यहाँ पे सही सुमिलित नहीं पूछ रहा है तो ऑप्शन सी हो जाएगा आलू जो है खाने योग्य भाग इसका जड़ नहीं होता है आलू का याद रखिएगा खाने योग्य भाग जो है ये कंद होता है ठीक है आलू का कंद होता है या फिर रूपांतरित तना होता है बाकी सभी जो है इसमें सही सुमिलित है नेक्स्ट आइए 104 नंबर में दृश्य प्रकाश के लिए तरंग दैर का परास होता है तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 380 नैनोमीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर तक का दृश्य प्रकाश का ये तरंग दैर का परास होता है यानी रेंज होता है नेक्स्ट आइए 105 नंबर में बोरा रहा निम्नलिखित युगों में से कौन से सही सुमिलित नहीं है सही सुमिलित नहीं पूछ रहा है तो यहाँ पे देख लेते हैं वैद्युत चुंबक की प्रेरण माइकल फेराडे ने खोज की थी सही है इलेक्ट्रॉन की खोज जेजे थोमसन ने की थी सही है जड़त गियो गैलीलाई ने की थी सही है उत्प्लावन की खोज जो है आर्कमिडीज ने की थी सही है तो यहाँ पे सही सभी सुमिलित है सही है सब तो ऑप्शन ई इसका सही हो जाएगा नेक्स्ट आइए एक नंबर में एक सौ छे में बोला खतर, खतरनाक मोड़ों पर सुरक्षा दर्शी के रूप में किस प्रकार के दर्पण के उपयोग किए जाते हैं तो यहाँ पे बोला है खतरनाक मोड़ों पर बोल रहा है तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा आ, सुरक्षा दर्शी के रूप में किस प्रकार के दर्पण का तो 106 का यहाँ पे ऑप्शन आंसर दिया गया है एक्सप्लेनेशन में ऑप्शन ए उत्तल दर्पण एक बार इसको आप लोग चेक कर लीजिएगा नेक्स्ट आइए एक नंबर में पेट के अंदर के आग अंगों की जांच के लिए सॉरी पेट के अंदर के अंगों की जांच के लिए प्रयुक्त तकनीक प्रयुक्त तकनीक जो है टेक्नोलॉजी जो है वो लेप्रोस्कोपी आधारित होती है तो किस पे आधारित होती है लेप्रोस्कोपी तो जो भी अंदर का चीज होता है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से होता है तो ऑप्शन बी हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर यह आधारित तकनीक है लेप्रोस्कोपी नेक्स्ट आई एक नंबर में बुरा निम्नलिखित में से किन रेडियोधर्मी किरणों की भेदन शक्ति सबसे कम होती है तो भेदन शक्ति जो है सबसे कम किसकी होगी तो स्वाभाविक है कि जो सबसे बड़ा कण होगा उसका होगा तो अल्फा का आकार जो है वो बड़ा होता है इस सब में से तो अल्फा कण का भेदन की शक्ति सबसे कम होगी और गामा का सबसे अधिक होगी नेक्स्ट आइए 109 नंबर में कोविड 19 महामारी के दौरान अपने गृह राज्यों की यात्रा करने वाले प्रवासी श्रमिकों को सैनिटाइज करने के लिए उन पर निम्नलिखित में से किस विलियन का छिड़काव किया गया था तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा 109 का ऑप्शन सी हो जाएगा सोडियम हाइपोक्लोराइड का याद रखेगा सोडियम हाइपोक्लोराइड का विलियन उन पर छिड़काव किया गया था नेक्स्ट आइए एक में एक सौ दस बोरा कि निम्नलिखित में से कौन तांबे का अयस्क नहीं है यहां पे बोरा कि तांबे का अयस्क नहीं है तो एक सौ दस का हो जाएगा ऑप्शन डी एलुमेल ठीक है एलुमेल जो है वो मैग्नीज एलुमिनियम और सिलिकॉन का एक मिश्र धातु होता है नेक्स्ट आइए एक नंबर में पेट के अल्सर को ठीक करने के लिए उपयोग की जाने वाली दवाओं को जाना जाता है तो किस में जाना जाता है तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा हिस्टामाइन के रूप में ऑप्शन 111 जो है ये आप लोग याद कीजिएगा हिस्टामाइन जो है एच टू एंटागोनिस्ट है जिन्हें एच टू के रूप में भी जाना जाता है और ये 77 परसेंट से 92 परसेंट ग्रहणी अल्सर को ठीक करता है नेक्स्ट आइए एक नंबर में वो रहा है एलिटेम एक उदाहरण है तो एलिटेम किसका उदाहरण है तो एलिटेम जो होता है एक उच्च प्रभावशीलता वाला कृत्रिम मधुरक यानी कि स्वीटनर है तो यहां पे कृति मधुरक ऑप्शन ए हो जाएगा और याद रखिएगा चीनी की तुलना में 2000 गुना ज्यादा मीठा होता है नेक्स्ट आई 113 नंबर में प्याज काटते समय व्यक्ति के आंखों से आंसू आते हैं तो ये आंसू क्यों आते हैं तो 113 का यहां पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सल्फेनिक अम्ल के निर्माण के कारण ठीक है नेक्स्ट आइए एक नंबर में बोल रहा है कि फैटी एसिड के सोडियम या पोटेशियम लवण के मिश्रण को जाना जाता है तो फैटी एसिड के सोडियम या पोटेशियम लवण के मिश्रण को साबुन के नाम से जाना जाता है नेक्स्ट आइए एक सौ पंद्रह नंबर में कल्चर संदर्भित करता है तो कल्चर किससे संबंधित करता है तो एक सौ पंद्रह का हो जाएगा ऑप्शन सी वृक्षों एवं झाड़ियों के संवर्धन को नेक्स्ट आइए 116 नंबर में एक सौ सोलह बुरा कुन का उपयोग मलेरिया के उपचार में किया जाता है यह प्राप्त किया जाता है आप सभी जानते हो ऑप्शन डी हो जाएगा सिनकोना के वृक्ष से नेक्स्ट आइए एक सौ सत्रह नंबर में आधुनिक वांशिकी के सॉरी आधुनिक अनुवांशिकी के जनक की उपाधि दी गई है तो किसे दी गई है मॉडर्न ऑर्डर्न सॉरी जेनेटिक्स की मॉडर्न जेनेटिक्स की तो यहाँ पे एक सौ सत्रह का जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी ग्रेगर जॉन मेंडल को ठीक है और ग्रेगर जॉन मंडल जो थे जॉन सॉरी ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे वो ऑस्ट्रिया अस्ट्रिय, के चर्च में पादरी थे ठीक है नेक्स्ट आइए एक सौ अठारह नंबर में मानव के शरीर में जल होता है तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए साठ से सत्तर परसेंट के बीच नेक्स्ट आइए एक सौ उन्नीस में हाल ही में स्पैनिश फ्लू व्यापक स्तर पर खबरों में रहा या निम्नलिखित में से किस वायरस के कारण हुआ था तो 119 का यहाँ पे सही है ऑप्शन ए एच और एन के कारण एच वन वायरस के कारण नेक्स्ट आइए एक में हमारे शरीर में थायराइड हार्मोन के निर्माण के लिए जिम्मेदार तत्व है तो थायराइड हार्मोन के निर्माण के लिए ऑप्शन बी हो जाएगा आयोडीन जो है वो जिम्मेदार है नेक्स्ट आइए 121 नंबर में एक भू स्थिर उपग्रह समुद्र तल से कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है तो 121 का आप लोग याद रख ले ऑप्शन सी हो जाएगा पैंतीस हजार सात सौ छियासी किलोमीटर की ऊंचाई पर नेक्स्ट आइए एक सौ बाईस नंबर में एक सौ बाईस नंबर बोल रहा है कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है तो न्यूटन की गति के प्रथम नियम को ऑप्शन ए बोला जाता है जड़त्व का नियम ठीक है नेक्स्ट आइए एक सौ तेईस नंबर में एक सौ तेईस बोरा निम्नलिखित में से किस में ध्वनि की गति अधिकतम होती है तो ये आप लोग अगर नहीं जानते हैं तो इसे आप लोग कम से कम कॉपी में नोट कर लें तो एक सौ तेईस का हो जाएगा ऑप्शन डी चालीस डिग्री सेल्सियस पर आर्द्र हवा में ध्वनि की गति अधिकतम होगी जो भी इसमें ऑप्शन दिया गया है ठीक है तो ये चीज आप लोग नोट कर लेंगे एक सौ चौबीस में बोल रहा है कि तापमान में परिवर्तन के बिना किसी पदार्थ के एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन होने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को कहा जाता है तो यहां पे ऑप्शन डी हो जाएगा गुप्त उष्मा यानी कि लैटेंट हीट ठीक है नेक्स्ट आइए 125 नंबर में 125 बोल रहा है कि इसरो के प्रचेपन यान पी एस एल वी सी फोर्टी थ्री ने सेटेलाइट एच वाई एस आई एस को यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है एच वाई एस आई एस के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है तो 125 में बोल में बोरा कि कौन सा सही है तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है यह दृश्य प्रकाश निकट अवरक्त और शॉर्ट वेव अवरक्त क्षेत्रों में पृथ्वी की सतह का अध्ययन करने के लिए अवलोकन उपग्रह है नेक्स्ट आइए एक में एक में बोल रहा है कि नासा ने मंगल ग्रह पर रोबोट लैंडर के रूप में इनसाइट मिशन को लॉन्च किया है इस मिशन का उद्देश्य क्या है तो इसका जो उद्देश्य है ऑप्शन सी हो जाएगा मंगल के आंतरिक भाग का अध्ययन करना नेक्स्ट आइए एक नंबर में कम आणविक भार वाले छोटे अणुओं की बड़ी संख्या को मिलाकर गठित एक उच्च आणविक भार वाले यौगिक को कहा जाता है तो इसे क्या कहा जाता है तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए पोलिमर यानी कि बहुलक एक तो सौ का यहां पर सही हो जाएगा ऑप्शन ए नेक्स्ट आइए एक नंबर में रेडियो कार्बन डेटिंग तीस हजार वर्ष से अधिक पुराने पदार्थों के लिए क्यों ठीक नहीं है तो देखिए रेडियो कार्बन डेटिंग जिसे कार्बन डेटिंग कार्बन फोर्टीन डेटिंग भी कहा जाता है कार्बन के रेडियोधर्मी समस्थानिक रेडियो कार्बन के गुणों का उपयोग करके कार्बनिक पदार्थों से युक्त किसी वस्तु की आयु निर्धारित करने की एक विधि होती है और यह क्या होता है कि तीस वर्ष से अधिक पुराने पदार्थों के लिए यह ठीक नहीं है क्योंकि तीस हजार से पचास हजार में कार्बन जो होता है कार्बन फोर्टीन की मात्रा लगभग इतनी कम हो जाती है कि उसे मापा नहीं जा सकता है तो ऑप्शन यहाँ पे सी जो है वो सही हो जाएगा नेक्स्ट आइए एक नंबर में शराब पीने के कारण होने वाली दुर्घटनाओं में से कौन सा सक्रिय एजेंट ऐसी दुर्घटनाओं का कारण बनता है तो एक का जो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए मेथिल अल्कोहल के कारण जो है शराब जो है वह जहरीला हो जाता है नेक्स्ट आई एक नंबर में निम्नलिखित में से लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है तो तो लोहे का जो रूप होता है, वो होता है है लोहा। ऑप्शन तो ए यहां पे पिटवा लोहा हो जाएगा नेक्स्ट आई 131 नंबर में 131 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है तो अधातु बोल रहा है यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा ब्रोमीन। नेक्स्ट आई एक में एक पदार्थ यल्लो केक यानी कि पीला केक जिसकी सीमाओं के पार तस्करी की जाती है होता है तो यह होता है यूरेनियम ऑक्साइड ठीक है इसे फिर यूरेनियम को संवर्धित किया जाता है तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा नेक्स्ट आई एक में वर्णक युक्त एवं प्रकाश परावर्तक कोशिकाएं होती है तो यह हो जाएगा ऑप्शन सी क्रोमैटोफोर ठीक है क्रोमैटो फोर एक में आइए एक बोल रहा है कि एल्ब्यूमिन रक्त सिरम में सबसे महत्वपूर्ण प्रोटीन होता है या किस अंग के द्वारा निर्मित होता है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक का याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा तो एल्ब्यूमिन जो प्लाज्मा में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन है और स्वस्थ मानव में प्लाज्मा में पाया जाने वाला कुल प्रोटीन की कुल मात्रा का आधा हिस्सा एल्बुमीन होता है और जो एल्बुमीन को यकृत की हेपो हैप्टोसाइट्स हे, कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित किया जाता है और इसे तीव्रता से रक्त में उत्सर्जित किया जाता है नेक्स्ट आइए एक में निम्नलिखित में से कौन सा अंग लाल रक्त कोशिकाओं के कब्रिस्तान के रूप में जाना जाता है तो यहाँ पे 135 का सही हो जाएगा ऑप्शन है प्लीहा को लाल रक्त कोशिकाओं के कब्रिस्तान के रूप में जाना जाता है एक सौ छत्तीस में निम्नलिखित में से मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के तापमान एवं भूख को नियंत्रित करता है तो ये बीपीएससी में कई बार आ चुका है आप लोग को पता होगा ऑप्शन डी हो जाएगा हाइपोथेमस नेक्स्ट आइए एक नंबर में एक सौ सैंतीस बोला प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग शामिल है तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी राइबोजोम जो है वो प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में भाग लेता है नेक्स्ट आइए एक सौ अड़तीस में श्वसन प्रणाली के किस भाग में गैसी विनिमय होता है तो गैसिय विनिमय यहाँ पे बोल रहा है तो ऑप्शन ए हो जाएगा एलवियोली के भाग में श्वसन प्रणाली के एल्वियोली में गैसीय विनिमय होता है तो एक का इसका सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट आइए एक में निम्नलिखित में से कौन सा अंग एक एयर कंडीशनर के रूप में कार्य करता है तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी नासिका यानी कि नाक एक सौ चालीस मई यह कौन सी परिघटना वर्षा की बूंदों के आकार को गोल बनाती है तो सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठीय तनाव ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा नेक्स्ट आइए एक सौ इकतालीस में निम्नलिखित में से कौन सा फेरोमैग्नेटिक पदार्थ का उदाहरण है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं तो फेरोमैग्नेटिक यहां पे बोल रहा है तो ऑप्शन ए हो जाएगा निकेल देखिये फेरोमैग्नेटिक अगर पूछेगा तो फेरोमैग्नेटिक जो होता है वो चुंबक के द्वारा बहुत मजबूती से आकर्षित होता है फेरोमैग्नेटिक के कुछ उदाहरण है लोहा निकल और कोबाल्ट ठीक है और एक होता है आ, पैरा मैग्नेटिक पैरा मैग्नेटिक को बोलते हैं अनुचुंबकीय यह पदार्थों को चुंबक के द्वारा आसानी से आकर्षित किया जाता है उदाहरण के लिए टंगस्टन लिथियम कैल्शियम जो है वो पैरा मैग्नेटिक अनुचुंबकीय कहलाते हैं और वहीं पे एक होता है प्रतिचुंबकीय यानी कि डाई मैग्नेटिक यह जो पदार्थों को चुंबक के द्वारा आसानी से इसे अलग किया जाता है उदाहरण स्वरूप चांदी सोना और एंटीमनी तो ये चीज है यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा नेक्स्ट आइए एक नंबर में कंप्यूटर द्वारा स्वचालित पुनर्प्राप्ति के लिए पृथ्वी से संबंधित सूचना भंडारण हेतु कौन सी तकनीक है जो एकदम सटीक है तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी भौगोलिक सूचना प्रणाली यानी कि जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम नेक्स्ट आइए एक में 143 बोल रहा है ट्रांसफार्मर एक विद्युत उपकरण है जिसका उपयोग किया जाता है तो ये एसी वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करने के लिए किया जाता है तो यहाँ पे ऑप्शन देख ले ऑप्शन सी हो जाएगा एसी वोल्टेज को कम या अधिक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है नेक्स्ट आइए एक में एक ही पदार्थ के अनुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को कहा जाता है तो एक ही पदार्थ के अनुओं के द्वारा तो ये हो जाएगा ससं संजक बल अगर अलग अलग पदार्थ के अणुओं के द्वारा होगा तो असंजक बल हो जाता तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा नेक्स्ट आइए एक में किसी व्यक्ति के पूर्ण आकार को देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई उस व्यक्ति की ऊंचाई की आधा होना चाहिए यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा नेक्स्ट आइए एक में वाटर गैस के घटक हैं तो एक का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए कार्बन मोनॉक्साइड और हाइड्रोजन का जो है मिश्रण वो वाटर गैस के घटक होते हैं नेक्स्ट आइए एक सौ नंबर में इन्हें एक रासायनिक तत्व के विभिन्न संरचनात्मक रूपों द्वारा परिभाषित किया गया है ये आपस में आबंधन निर्मित कर अलग अलग तरीकों से रूप धारण करते हैं यह कहलाते हैं तो यह क्या कहलाते हैं तो ऑप्शन डी हो जाएगा अपरूप यानी कि एलो कहलाते हैं और वर्ष अठारह में स्वीडिश रसायन शास्त्री जोन्स जको बर्जेलियस के ने अपरूप की अवधारणा को प्रस्तावित किया था नेक्स्ट सौ अड़तालीस कौन सा सिद्धांत है जिसके अनुसार किसी परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं तो यह हो जाएगा ऑप्शन डी अफवाऊ का सिद्धांत और अफवाह का सिद्धांत क्या है तो देखिए अफवाह का सिद्धांत के अनुसार परमाणु की कक्षाओं में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन सब प्रथम निम्न ऊर्जा वाली उपकक्षाओं में जाते हैं या भरते हैं तत्पश्चात ही उससे अधिक ऊर्जा वाली उपकक्षाओं में भरते हैं नेक्स्ट आइए है एक नंबर निम्नलिखित यौगिकों की अम्ल शक्ति को बढ़ते क्रम में कौन सा सही अनुक्रम है तो एक देखिए किसी अम्ल की अम्ल शक्ति उसकी जल में घुलनशीलता पर निर्भर करती है ठीक है ये चीज आप लोग याद रखिएगा तो आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता में कमी आती है और आकार में वृद्धि होती है जिससे एच प्लस आयन को मुक्त करना आसान हो जाता है इस प्रकार अम्ल शक्ति वर्ग में नीचे जाने पर बढ़ती है तो इस प्रकार जो सही अनुक्रम है वो हो जाएगा ऑप्शन ए एच एफ उसके बाद एस सी एल उसके बाद एच बी आर उसके बाद सबसे ज्यादा एच आई पे और साइंस का इस टेस्ट का आखिरी क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा उत्प्रेरक अमोनिया बनाने की हैबर विधि में उपयोग किया जाता है तो ये आप सभी जानते होंगे आयरन और मोलवीडेनम यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका सही हो जाएगा तो इस तरह से करके हमारा दृष्टि आई का जो है वो सेक्शनल टेस्ट में हिस्ट्री का 150 क्वेश्चन पार्ट वन पार्ट टू अपलोड हो चुका है और यहाँ पे आज जो है साइंस का पार्ट टू अपलोड हो चुका है पार्ट वन पहले से अपलोड है तो इस तरह से दो सेक्शनल टेस्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स दोनों में दे दूंगा। वहां से आप लोग देख सकते हैं और आप हमारा टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है कन्फ्यूज़न नाइन डॉट टू डॉट अलेवन उसे मैनुअली टेलीग्राम पर सर्च कर उसे ज्वाइन कर ले वहाँ पर बहुत सारा मटेरियल आप लोग को सेंड किया जाता है तो जल्द ही मिलते हैं अगले सेक्शनल टेस्ट में तब तक के लिए धन्यवाद आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी वी वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग तो का बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद